हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जॉन कीट्स की बायोग्राफी करेंगे, जो कि हमारे पीजीटी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट राइटर है। तो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं रोमांटिक पीरियड, क्योंकि जॉन कीट्स रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते थे, तो इसलिए हम पहले रोमांटिक पीरियड देखते हैं। द रोमांटिक पीरियड इज़ अ टर्म अप्लाइड टू लिटरेचर ऑफ approximately the first third of 19th century. Romantic period 19th century के लगभग पहले तीसरे के literature पर applied होने वाला term है। During this time, literature began to move in channels that were not entirely new but were in strong contrast to the स्टैंडर्ड लिटरेरी प्रैक्टिस ऑफ 18th सेंचुरी। इस टाइम के दौरान लिटरेचर उन चैनलों में जाने लगा था जो पूरी तरह से नए नहीं थे, लेकिन 18th सेंचुरी के कंट्रास्ट लिटरेरी प्रैक्टिस के विपरीत थे। द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ द सो कॉल्ड लेक पोएट वर्ड्सवर्थ कॉलेज साउथे विथ स्कॉट पेरेंट कीट्स एंड शैले एज द रोमांटिक पोएट इज द लेट विक्टोरियन अपेरेंटली एज लेट एज द मिडिल 1880s। स्कॉट बैरन कीट एंड शैले के साथ लेक पोएट वर्ड्सवर्थ कॉलरिज और साउथे एक साथ एक ग्रुप रोमांटिक पोएट जो लेट विक्टोरियन थे वह अपेरेंटली 1880 के मिडिल तक था। चलिए अब हम जॉन कीट्स को स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे एक रोमांटिक पोएट हैं। जॉन कीट्स पहले देखते हैं जॉन कीट्स का बॉर्न कब हुआ था। जॉन कीट्स ऑन अक्टूबर 31, 1795। जॉन कीट्स का बॉर्न 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। प्लेस कहाँ हुआ था? लंदन, इंग्लैंड में हुआ था। जॉन कीट्स के पेरेंट्स थॉमस कीट और स्टेबल कीपर फ्रांसिस कीट उनकी मदर थी, और थॉमस कीट एक स्टेबल कीपर थे। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ फाइव चिल्ड्रन। वो फाइव चिल्ड्रन में फर्स्ट थे। जॉर्ज 1797 से 1841, टॉम 1799 से 1818, एडवर्ड 1801 से 1802, फ्रांसिस मैरी नन एस फैनी 1803 टू 89। फ्रांसिस मैरी को फैनी के नाम से भी जाना जाता है। ये उनके थॉमस कीट और फ्रांसिस कीट्स के चिल्ड्रन हैं। जॉन कीट्स की एजुकेशन जॉन क्लर्क स्कूल इनफील्ड लंदन में हुई थी। 1804 में हिज फादर डाइड इन अ राइडिंग एक्सीडेंट। उनके फादर की डेथ हो जाती है राइडिंग एक्सीडेंट में फ्रॉम स्कल फ्रैक्चर से। स्कल फ्रैक्चर से उनके फादर की डेथ हो जाती है। एंड हिज मदर रीमैरिज। उनकी जो मदर है वो दूसरी शादी कर लेती हैं विलियम रॉलिंग से। एटीन हंड्रेड टू में कीट्स फैमिली मूव्स टू स्वान टू द स्वान एंड होप इन द एंड स्टेबल। कीट की जो फैमिली है वो 1802 में मूव्स करती है द स्वान एंड होप इन द स्टेबल्स में। 1803 में द हेड मास्टर चार्ल्स सन गॉर्डन क्लर्क जॉन कीट्स हेड मास्टर का जो बेटा था चार्ल्स गॉर्डन क्लर्क वो जॉन कीट्स के लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बन जाते हैं। एटीन हंड्रेड फाइव में कीट्स के जो ग्रैंडफादर थे उनकी डेथ हो जाती है। एटीन हंड्रेड टेन में कीट्स मदर डाइस। 1810 में कीट्स की मदर की डेथ हो जाती है फॉर ट्यूबरक्लोसिस से। ही रीच्ड एट द एज ऑफ 16 ही वॉज अप्रेंटिस टू द एपोथेकरी।
एपोथेकरी डॉक्टर थॉमस हैमंड ऑफ एडमंटन। कीट्स 16 ईयर की एज में कीट्स को एडमंटन के एपोथेकरी डॉक्टर थॉमस हैमंड के पास भेज दिया जाता है। हिज फर्स्ट पोइम वॉज एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। उनकी जो फर्स्ट पोइम है एन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर, जो उनकी फर्स्ट पोइम है वो इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है। इट वॉज अपेरेंटली कॉर्डन क्लर्क्स लैंडिंग कीट्स अ कॉपी स्पेंसर्स फेरिक्यून दैट फर्निश्ड द स्टिमुलस। अपेरेंटली जो कॉर्डन क्लर्क हैं कीट्स को स्पेंसर की फेरिक्यून की एक कॉपी उधार देते हैं जिससे उन्हें प्रोत्साहन दिया। 1815 में रजिस्टर हिमसेल्फ एज अ मेडिकल स्टूडेंट एट गाइज हॉस्पिटल एट लंडन। 1815 में लंदन में के गाइज हॉस्पिटल में एक मेडिकल स्टूडेंट के रूप में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया उन्होंने। 1816 में क्वालिफाइड टू प्रैक्टिस एज एन एपोथेकरी एंड अ सर्जन। 1816 में एक एपोथेकरी और एक सर्जन के रूप में प्रैक्टिस करने के योग्य बन गए थे वो, और उनको मेडिकल लाइसेंस मिल गया। उन्होंने ये अनाउंस किया कि ही वुड बी अ पोएट। नॉट अ सर्जन। उन्होंने ये अनाउंस किया कि वो एक पोएट बनेंगे ना कि सर्जन, क्योंकि उनका इंटरेस्ट राइटिंग में था। 1816 में इस फर्स्ट पोएम पब्लिश्ड ओ सॉलिट्यूड इन ले हंट द एग्जामिनर। 1816 में जॉन कीट की फर्स्ट पोएम ओ सॉलिट्यूड पब्लिश्ड हुई ले हंट की जो द एग्जामिनर एक मैगजीन थी उसमें। एनदर सोनेट ऑन द फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन सोमर। दूसरा उन्होंने सोनेट लिखा कीट्स ने 1816 में ही। एनदर ऑन फर्स्ट लुकिंग इन टू चैपमैन सोमर। 1817 में पब्लिश हिज फर्स्ट पोएटिक वॉल्यूम पोएम बाई सी एंड जे ओलियर। 1817 में उनकी फर्स्ट पोएम पोएटिक वॉल्यूम पब्लिश हुई बाई सी एंड जे ओलियर के द्वारा। कीट्स पोएम आई स्टूड टिप टो ओपन अ लिटिल हिल एंड स्लिप एंड पोएट्री। कीट्स की जो पोएम थी आई टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल एंड स्लिप एंड पोएट्री। ही राइट द सोनेट ऑन द सी एंड द बिगेन द ग्रेट लॉन्ग पोएम एंडीमियन। उन्होंने एक सोनेट लिखते ऑन द सी और एंडीमियन एक ग्रेट लॉन्ग पोएम लिखना शुरू करते। एंडीमियन इज डेडिकेटेड टू थॉमस चैटर्टन। उन्होंने एंडीमियन जो है थॉमस चैटर्टन को डेडिकेट की थी। एंडीमियन वॉज हार्शली क्रिटिसाइज बाई जॉन विल्सन क्रॉकर इन ब्लैकवुड्स मैगजीन एंड क्वार्टरली रिव्यू। ब्लैकवुड मैगजीन और क्वार्टरली रिव्यू में जॉन विल्सन क्रॉकर द्वारा एंडीमियन को हार्शली क्रिटिसाइज किया गया, जिसकी वजह से जॉन कीट्स काफी डिप्रेस्ड हुए। एटीन में स्टार्टेड अ वॉकिंग टूर टू स्कॉटलैंड आयरलैंड और लेक डिस्ट्रिक्ट विद चार्ल्स ब्राउन। 1818 में उन्होंने एक टूर लिया स्कॉटलैंड आयरलैंड एंड लेक डिस्ट्रिक्ट का विद चार्ल्स ब्राउन, ये उनके फ्रेंड थे, अपने फ्रेंड के साथ। 1814 में मैट फैनी ब्राउन। 1814 में वो फैनी ब्राउन से मिलते हैं। ये कीट की फियोंसे थी, इनकी कीट्स के साथ एंगेजमेंट हो गई थी फैनी की। 1818 में कीट्स नर्स्ड हिज ब्रदर टॉम हु हैड बीन स्ट्रिकन विद ट्यूबरकुलोसिस। 1818 में कीट्स अपने भाई टॉम की देखभाल करते हैं जिनको ट्यूबरकुलोसिस हो गया था। ट्यूबरकुलोसिस उनकी एक फैमिली डिसीज बन गई थी।
डिसीज थी, क्योंकि इनकी मदर की डेथ भी ट्यूबरकुलोसिस हुई और इनके इनकी टॉम भाई टॉम की जो डेथ भी ट्यूबरकुलोसिस हुई, एंड एटलीस्ट किड्स की भी डेथ ट्यूबरकुलोसिस से ही हुई थी। इसलिए ये बीमारी उनकी एक तरीके की हेरिडिटी डिसीज़, फैमिली डिसीज़ बन गई थी। टॉम डाइड ऑन December 1 एट द एज ऑफ 19। टॉम की जो डेथ है 1 December और 19 की एज में हो गई थी। 1820 कीट्स थर्ड एंड लास्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री केम आउट July 1। 1820 में July 1 में कीट का लास्ट थर्ड और लास्ट वॉल्यूम पब्लिश हुआ, सॉरी वॉल्यूम ऑफ पोइट्री आया। ऑन द एडवाइस ऑफ टू डॉक्टर कीट्स डिसाइडेड टू गो टू इटली अ ट्रिप वेयर हिज फ्रेंड जोसेफ सेवरन। डॉक्टर की एडवाइस पे कीट्स डिसाइड करते हैं इटली जाने का, जहाँ वो इटली का ट्रिप लेते हैं और जहाँ उनके फ्रेंड थे जोसेफ सेवरन उनके फ्रेंड थे, जिनके पास वो इटली में ही रहने गए थे। इटली में ही उनके उन्होंने अपने फ्रेंड की गोद में अपनी लास्ट ब्रीथ ली थी। जॉन टेलर हु हैड पब्लिश्ड कीट्स लास्ट वॉल्यूम, जॉन टेलर वो हैं जिन्होंने कीट्स की लास्ट वॉल्यूम पब्लिश्ड की थी। डेथ 23 February 1821 में हुई, जॉन कीट्स की डेथ 23 अप्रैल में हुई थी, 23 February 1821 में हुई थी। ही इज़ बरेड इन द प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम, उनको प्रोटेस्टेंट सेमेट्री इन रोम में बरेड किया गया। कॉज ऑफ अ डेथ ट्यूबरकुलोसिस, उनकी डेथ का जो कारण था वो ट्यूबरकुलोसिस था। एज एट द डेथ 25, उनकी डेथ जब हुई थी तब उनकी एज 25 थी। शैली मेमोराइज कीट्स इन हिज पोएम एडोनियस, शैली ने अपने पोएम लिखी एडोनियस, उसमें कीट्स को मेमोराइज किया। आज हमने जॉन कीट्स की बायोग्राफी कर ली है, नेक्स्ट हम इनके वर्क्स करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक यू।